बहुत फास्ट और तुरंत वशीकरण करने का एक आसान सा तरीका बताऊंगा प्यार वापस पाने के लिए, खोए हुए प्यार को वश में करने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक वशीकरण का टोटका है, इसमें आपको कोई मंत्र बोलना नहीं है और ये असर भी करेगा, बिना असर किया हुआ ये टोटका नहीं है। इसी तरीके के और लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं लेकिन उन्होंने सही तरीका नहीं बताया या आप समझ नहीं पाए। आज अपने सभी जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनको, अपने चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं एक ये तरीका बताऊंगा और एक बार आप इसे करके ज़रूर देखिएगा। बस आपको अपने दोनों हाथों के ऊपर नाम लिखना है और एक जादू करना है। ये जादू ऐसा होगा कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, जिसका आप अपने हाथों पर नाम लिखेंगे वो इंसान आपके वश में हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। दोस्तों ये बहुत ही पुराना वशीकरण का टोटका है, इसको आपके ही दादी नानी ने कभी आप लोगों को या किसी दूसरे से बताया ज़रूर होगा। जो आपको मालूम है तो आप फिर भी देख लीजिए और नहीं मालूम है तो आज आप सीख लीजिए। आपको अपने दोनों हाथों के ऊपर अपने प्रेमी अपने पार्टनर का नाम लिखना है, बस आपको इतना सा काम करना है, लेकिन कब लिखना है और कहां पर लिखना है ये मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आप हमारे चैनल से बने हुए रहिए। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GHTV, मैं हूं तांत्रिक चन्नूलाल। हमारे चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के घंटे को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो आपको मिले, जो कि हर रोज़ सुबह 8 बजे और दोपहर में 3 बजे भेजा जाता है। आप सभी की सेवा में हम हर वक्त हाजिर रहते हैं, आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने हाथ के ऊपर जो वशीकरण करने का एक टोटका करेंगे तो इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको अपने सबसे हाथ की छोटी उंगली, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आपको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। आप अपने हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली उसके जस्ट नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको नाम लिखना है उनका जिन्हें आप अपने वश में करना चाहते हैं। और अब आप अपने दूसरे हाथ के यानी अंगूठे के जस्ट नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। इसमें हम आपको दिन भी बताएंगे, समय भी बताएंगे। इस समय और इस दिन आप करेंगे तो आपको ये असर दिखाएगा। अब जिस तरीके से शंख बजाते हैं इस तरीके से आपको अपने हाथ को बना लेना है और इसको अपने नाम के साथ में इस तरीके से रगड़ना है। ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, आप इसको अपने हाथ के ऊपर रगड़ेंगे और आपका प्यार आपके वश में हो जाएगा। ऐसा आपको किस दिन करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो आप जान गए, अब आप दूसरी चीज़ भी जान लीजिए। इस उपाय को आप शनिवार के दिन करेंगे, ध्यान से समझिए, शनिवार के दिन करेंगे। और किस समय करेंगे, दिन में करेंगे या रात में करेंगे, इस उपाय को ये भी जान लीजिए। दोस्तों इस उपाय को जब आप सोने लगेंगे उस समय करेंगे और 1008 बार उसका नाम लेते रहेंगे और हाथ को इसी तरीके से रगड़ते रहेंगे। रगड़ना बहुत ज़रूरी है, जब आपका ये काम हो जाए तब आप जा करके सो जाइएगा, सुबह तक के आपको इसका असर दिख जाएगा। दोस्तों जैसे ही सुबह हो आप सो के उठें, सबसे पहले अपने आप को फ्रेश कर लीजिए और फ्रेश करने के बाद में कुछ मीठा खाइए और इस नाम को जो आपने लिखा है इसे आप नहाते समय साबुन से या किसी भी चीज़ से मिटाल दीजिएगा। अब आप यही काम फिर रात को करिएगा, फिर यही काम, ऐसा आप लगातार 21 दिन करेंगे, लेकिन पहले ही दिन से आपको इसमें राहत मिलना चालू हो जाएगी। दोस्तों पहले दिन यानी शनिवार के दिन से आपको 21 दिन आगे इसी चीज़ को अप्लाई करना है और पहले ही रात से आपको इसका असर नज़र आ जाएगा। जब भी आप इस उपाय को करेंगे तो शनिवार की रात से आपको ये करना है। अब आपको 21 दिन तक लगातार करना है, आपको इसमें रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। हर किसी के मामले अलग अलग हो सकते हैं, किसी को पहली रात से ही मिल जाएगा, किसी को दूसरे दिन से मिल जाएगा। ये वशीकरण बहुत ही फास्ट और असरदार अपना काम दिखाता है, तुरंत इसका तीर उसके ऊपर चल जाता है। अगर आप हमारे इस बताए हुए वशीकरण के टोटके से संतुष्ट हैं तो आपको ये वशीकरण का टोटका अगर करना है तो सबसे पहले हमारे चैनल GHTV को आपको सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को जो आप हमारे चैनल GHTV से देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट में अपना नाम लिख के आज्ञा लेनी होगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और आज्ञा नहीं लेते हैं तो आपको आज्ञा नहीं दी जा रही है, आज्ञा ज़रूर लीजिएगा दोस्तों।